गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी को वॉइस क्लियर आ रही लास्ट क्लास में जो हम डिस्कस कर रहे थे, उसमें किसी को कुछ डाउट एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट में किसी को कहीं कुछ दिक्कत है? नो सर। अभी तक हमने जितना डिस्कशन किया वो एन मॉस चैनल पे किया। हमारा मास्टर जो होगा वो एन टाइप का होगा, जिसमें चैनल एन टाइप का अगर क्रिएटर है उस चैनल की हमने बात। इन केस अगर पी चैनल की हम बात करते हैं, मीनिंग पी मॉस की अगर हम बात करते हैं, वो जहाँ पे सोर्स और ड्रेन पी टाइप के होते हैं और सबस्ट्रेट एन टाइप, तो वहां के केस में स्ट्रक्चर आप लोगों ने ऑलरेडी समझा हुआ है क्या स्ट्रक्चर कैसा रहेगा। पी मॉस का एन टाइप सबस्ट्रेट लेंगे, उसमें दो वेल्स क्रिएट करेंगे सोर्स और ड्रेन के। आफ्टर दैट उसमें SiO2 लेयर एक क्रिएट करेंगे सोर्स को डायरेक्टली यहाँ वाया मेटल ऐसे यहाँ से कनेक्ट कर देंगे, ड्रेन को भी इसी तरह से ऐसे कनेक्ट कर देंगे, बट गेट में केवल मेटल लगाएंगे और यहाँ पे डायरेक्टली टच नहीं होगा सेमीकंडक्टर, जिसकी वजह से यहाँ पे ये कैपेसिटर की तरह से बिहेवियर देगा, राइट। हम जब यहाँ पे पी चैनल में अगर हमें यहाँ चैनल क्रिएट करना है, तो चैनल क्रिएट करना क्या मीनिंग है कि यहाँ पे हमें होल्स इंक्रीज करने, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करना है। जब पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे BGS जो होगा वो नेगेटिव BGS नेगेटिव होगा, धीरे 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 हम BGS इंक्रीज कर रहे होंगे तो इलेक्ट्रॉन सॉरी होल्स इधर की ओर मूव करेंगे और इलेक्ट्रॉन रिपल है, ये इलेक्ट्रॉन है और ये होल्स है जो इधर की ओर, और उसकी वजह से यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज के साथ एक चैनल क्रिएट होगा। तो और बाकी जितनी भी जो भी डिस्कशन हमने किया वो सारा वैसे ही रहेगा जैसे यहाँ पे पिंच ऑफ हुआ था, यहाँ पे जब हमने ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज लगाया था तो धीरे धीरे यहाँ पे टैपरिंग हुई थी, वो सारी चीजें सिमिलर। चेंजेस कहाँ पे है कि देखो वहां पे तुमने क्या किया था, तुम्हें इलेक्ट्रॉन को सोर्स से ड्रेन की तरफ ले जाना था, उसके लिए तुमने क्या रखा था, ड्रेन पे वोल्टेज हाई रखा था और सोर्स को ग्राउंड किया,
ठीक है, मीनिंग सोर्स पे वोल्टेज लो रखा था और ड्रेन पे वोल्टेज हाई रहा था। यहाँ पे क्या करना है आपको, होल्स को सोर्स से ड्रेन की तरफ मूव कराना है। तो उसके लिए क्या होगा, ड्रेन साइड पे वोल्टेज लो और सोर्स पे वोल्टेज हाई, या हम ये कहें कि VD माइनस VS, यानी ड्रेन जो है वो स्मॉलर होगा इन कंपैरिजन टू सोर्स वोल्टेज। तो VD माइनस VS की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव, यानी VD माइनस VS जो होगा वो लेस देन जीरो, या ये कहें कि VDS जो होगा वो भी नेगेटिव। VDS जो होगा यहाँ पे वो भी नेगेटिव। देखो VDS का मीनिंग पहले समझ लेना, VDS मतलब VD माइनस VN, ड्रेन वोल्टेज माइनस सोर्स वोल्टेज। आफ्टर दैट हमने चेक किया कि ड्रेन वोल्टेज जो यहाँ पे रखना है वो सोर्स वोल्टेज की कंपैरिजन में कम रखना पड़ेगा, तभी यहाँ पे होल्स इधर से इधर सोर्स से ड्रेन की तरफ मूव होंगे, है ना। तो दैट इज व्हाई ये जो ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज है वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। नाउ अब अगर हमने गेट टू सोर्स वोल्टेज नेगेटिव रखा है तो ये श्योर शॉट है कि जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज होगा वो भी नेगेटिव होगा। ठीक, कोई नेगेटिव वैल्यू भी होगी VGS की जिससे यहाँ पे सफिशियंट नंबर ऑफ होल्स एक्यूमुलेट हो जाएंगे, चैनल इन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे होल्स का मूवमेंट फ्रॉम सोर्स टू ड्रेन स्टार्ट हो सके। ठीक है, मीनिंग चैनल क्रिएट करने के लिए मिनिमम VGS की वैल्यू जो होगी वही थ्रेशोल्ड वोल्टेज कहलाती है। तो जब गेट टू सोर्स वोल्टेज नेगेटिव हम अप्लाई कर रहे हैं तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज भी नेगेटिव होगा। तो ये क्लियर है कि यहाँ पे भाई VGS नेगेटिव होगा, VT नेगेटिव होगा। ठीक, बाकी जितना भी यहाँ पे जो भी इसका वर्किंग है एकदम सिमिलर है जैसा NMOS के साथ, बस चेंजेस क्या आएंगे, तब इधर पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, होल्स मूव कर रहे हैं, तब करंट जो थी वो ड्रेन टू सोर्स की तरफ मूव फ्लो हो रही थी, अब करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, सोर्स से ड्रेन की तरफ, क्योंकि हमें पता है कि जो करंट की डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन, राइट। अब नेक्स्ट हमें जो देखना है वो ये कि समझ में, देखो लेट्स से हमने कहा जो यहाँ पे हमने MOSFET ये फैब्रिकेट किया है, इसका थर्मल वोल्टेज जो आया है वो लेस से -4 वोल्ट। ठीक है, जो थर्मल वोल्टेज आया है वो -4 वोल्ट। तो इनिशियली हमने जब गेट टू सोर्स वोल्टेज अप्लाई किया, हम इस गेट टू सोर्स वोल्टेज को फ्रॉम जीरो, ठीक, हमने धीरे धीरे इंक्रीज करना स्टार्ट किया, जीरो से -1 वोल्ट पे आए, कोई चैनल क्रिएट नहीं हुआ, -2 वोल्ट पे लेके आए, अभी भी चैनल क्रिएट नहीं हुआ, -3 वोल्ट पे लेके आए, अभी भी चैनल क्रिएट नहीं हुआ, -4 वोल्ट पे लेके आए। अब इस पॉइंट पे तुम्हारा चैनल क्रिएट होगा, या ये कहें कि एक सफिशियंट नंबर ऑफ होल्स जो कि सोर्स से ड्रेन की तरफ होल्स को मूव करा सकते हैं यहाँ पे क्रिएट हो जाए। ठीक, देन और VGS बढ़ाया, तो अब फ्रॉम -5 अब क्या होगा, तुम्हारा जो यहाँ पे नंबर ऑफ होल्स होंगे वो इंक्रीज करना स्टार्ट करेंगे, और तब अगर तुमने थोड़ा भी ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है तुम्हारी ड्रेन करंट इंक्रीज करेगी। तो अब यहाँ पे देखो -5 इन कंपैरिजन टू -4 लेस देन है। ठीक, तो वहां हमने कंडीशन क्या पढ़ी थी कि VGS जब ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा VT तब तुम्हारा चैनल क्रिएट होगा, जबकि यहाँ के केस में क्या हो रहा है कि VGS जब लेस देन और इक्वल टू होगा तब तुम्हारा चैनल क्रिएट होगा, ये चैनल एग्जिस्ट करने की कंडीशन है। PMOS में चैनल एग्जिस्ट कब करेगा, जब VGS लेस देन और इक्वल टू VT होगा, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं, VGS को VGS जो कि नेगेटिव है
ठीक, अगर हम इसको ये लिखें V, एक नया वोल्टेज लिखें V S G, ठीक, VGS का जस्ट अपोजिट, मीनिंग VGS मतलब क्या, VG माइनस VS, और V SG का मतलब क्या है, VS माइनस VG. हमने अपनी पोलरिटी चेंज करके देखा, तो VSG जो होना चाहिए यहाँ पे वो पॉजिटिव होना चाहिए. अगर VGS हम यहाँ बोल रहे हैं, गेट और सोर्स टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो नेगेटिव होना चाहिए. दैट मीन्स सोर्स और गेट के टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस. हमने अपोजिट मेजरमेंट लिया है ना, एक ये क्या है VGS है और ये क्या है VSG. तो VSG क्या होना चाहिए, पॉजिटिव. तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसी जो ये हमने कंडीशन लिखी, इसी कंडीशन को कुछ बुक्स में तुम्हें चेंज करके दिया होगा, तो ये क्या होगा, VSG ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है मॉड ऑफ VT. ठीक है, मीनिंग अगर हम यहां से देखें तो VT की वैल्यू कितनी है, माइनस 4 वोल्ट. मॉड ऑफ VT कितना हो जाएगा, 4 वोल्ट. ठीक, इस पॉइंट पे VGS कितना है, माइनस 5. तो VSG कितना हो जाएगा, 5. तो क्लियरली हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है. अगर हमने मॉड ना लगाया होता, तो केवल माइनस 4 रखा, तो इवन इस माइनस 1 पे भी तुम्हारा चैनल कंडक्ट होना चाहिए था, जबकि ऐसा होता नहीं है. दैट इज व्हाई यहाँ पे मॉड जरूरी है. ये चीज याद रखना कि VSG से अगर कंडीशन लिख रहे हो तो यहाँ पे मॉड ऑफ थ्रेशोल्ड वोल्टेज होगा. ठीक है, इन दोनों ही कंडीशन में चैनल एग्जिस्ट करेगा. अगर हम ये कहें कि VGS greater than or equal to VT है, तो no channel exists करेगा, कोई भी channel exists नहीं करेगा. channel exists नहीं करेगा. या ये कहें कि VSG less than or equal to है mod of VT से. Less than है mod of VT, not equal to. यहाँ पे भी equal to नहीं है. ठीक है, channel exist ना करने की, इस तरह से ये दो conditions हम देख सकते हैं. ठीक है, दोनों ही similar same condition है, दोनों में कोई changes नहीं किया गया, बस representation का फर्क है. तो हमने देखा था कि जब NMOS सैचुरेशन रीजन में होता है, NMOS जब सैचुरेशन रीजन में होता है, तो गेट और ड्रेन के बीच का जो वोल्टेज है वो लेस देन VT होता है. एंड उसी को हमने बाद में इलेबोरेट किया था, तो कहा कि VDS जो है, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज जो है, वो ग्रेटर देन VGS माइनस VT हो, तो उस केस में तुम्हारा NMOS सैचुरेशन रीजन में रहेगा. Now, अब PMOS के लिए देखें तो क्या होगा, PMOS के लिए ड्रेन टू सोर्स नेगेटिव वोल्टेज है. हम क्या लिखेंगे कि ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज जब लेस देन होगा VGS माइनस VT से, तब तुम्हारा PMOS सैचुरेशन रीजन में काम करेगा. या ये कह सकते हैं कि सोर्स टू ड्रेन वोल्टेज ग्रेटर देन हो मॉड ऑफ VGS माइनस VT से. दोनों में से जो भी आप याद कर सकते, दोनों सेम रिप्रेजेंटेशन है. ये वाला आप देखो, ये वाला, बस दोनों ही सेम इक्वेशन है, बस रिप्रेजेंटेशन का तरीका चेंज हुआ है. ठीक, इसी तरीके से जब एक्टिव रीजन की बात करते हैं, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज अगर लेस देन है VGS माइनस VT से, तो तुम्हारा एक्टिव रीजन होता था NMOS के केस में. यहाँ पे PMOS के केस में क्या होगा, जब ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज ग्रेटर देन होगा VGS माइनस VT से, तब तुम्हारा एक्टिव रीजन में PMOS काम करेगा. या ये कहें कि सोर्स टू ड्रेन वोल्टेज का जब लेस देन होगा मॉड VGS माइनस VT से, तो उस टाइम PMOS तुम्हारा एक्टिव रीजन में काम करेगा. अच्छा, अब देखो, जब ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक
या ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक बनाओगे, तो एक तरीका है कि भाई इस पूरे को इधर साइड, जैसे ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में बना हुआ है, इसी तरीके से सेकंड कोऑर्डिनेट में इधर बना लो और उसके बाद शो कर दो, या सिंपली कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसी ग्राफ को बनाओ, सेम इसी तरह का ग्राफ बनाओ, बस यहाँ पे इंडिकेशन में लिख दो कि VDS जो है यहाँ पे नेगेटिव है। जब हम इसी ग्राफ को जब अगर हम PMOS के लिए बनाएंगे, तो PMOS के लिए बस सिंपली हम यहाँ पे कैसे कर देंगे कि VDS जो है वो यहाँ पे नेगेटिव है, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज जो है यहाँ पे नेगेटिव है। और या तो अगर इसी ग्राफ को हम बनाते कुछ इस तरीके से, ये तुम्हारा सैचुरेशन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम बहुत ज्यादा कोऑर्डिनेट सिस्टम का ध्यान नहीं रख रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे सिंपली यहाँ पे VDS को नेगेटिव बता के, और इसी तरीके से जो ये ग्राफ हमने देखा था, इस ग्राफ में भी हम सिंपली यहाँ पे ये मेंशन कर दें कि गेट टू सोर्स वोल्टेज जो है वो नेगेटिव, थ्रेशोल्ड वोल्टेज जो है वो नेगेटिव, तो ये क्या है PMOS की ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक, और ये क्या है PMOS का ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। इससे थोड़ा सा बस इतना इजी हो जाएगा कि हाँ तुम्हें दो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक याद नहीं करनी पड़ेगी, सिंपली तुम एक ही कैरेक्टरिस्टिक याद करके बस तुम्हें ये याद रखना होगा कि PMOS के केस में क्या क्या चीजें चेंज होती है। तो PMOS के केस में ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज नेगेटिव, थ्रेशोल्ड वोल्टेज नेगेटिव और गेट टू सोर्स वोल्टेज। नाउ अब आते हैं कि MOSFET का सिंबल कैसा हो। तो देखो दो तरीके से हम MOSFET का सिंबल बना सकते हैं, एक जिसमें बॉडी टर्मिनल को हम शो करें, दूसरा जिसमें हम बॉडी टर्मिनल को शो ना करें, ठीक है। अब NMOS है तो NMOS में करंट का जो फ्लो होता है वो ड्रेन से सोर्स की तरफ होता है, क्यों, क्योंकि सोर्स से ड्रेन की तरफ इलेक्ट्रॉन जाते हैं और इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में हमारा फ्लो होता है, करंट का फ्लो होता है। तो करंट जो होती है वो कहां से कहां फ्लो होती है, ड्रेन से सोर्स की तरफ, दैट इज व्हाई ये एरो इधर सोर्स की तरफ, ड्रेन ऐसे आई करंट, अगर डिप्लीशन टाइप MOSFET अभी जब देखेंगे तो डिप्लीशन टाइप MOSFET का जो सिंबल बनाते हैं वो यहाँ पे कॉन्टिन्यूस लाइन बनेगी, मीनिंग वो शो करता है कि हाँ ये जो MOSFET है इसमें चैनल ऑलरेडी क्रिएटेड है, इसमें चैनल ऑलरेडी क्रिएटेड है। उसी तरह से जब PMOS में बनाएंगे तो PMOS में हमें पता है कि करंट कहां से कहां फ्लो होती है, सोर्स से ड्रेन की तरफ, करंट हमारी सोर्स से ड्रेन की तरफ फ्लो होगी, क्योंकि यहाँ पे जो चार्ज कैरियर है वो कौन है, होल्स है, और जो हमारा करंट फ्लो का डायरेक्शन है वो होल्स की ही डायरेक्शन में होता है, जिधर होल्स मूव करेंगे उधर ही हमारी करंट भी फ्लो हो रही है, इट इज व्हाई ये एरो इधर अंदर की। यहाँ पे भी दो तरह से सिंबल बना सकते हैं, विद विद बॉडी और विदाउट बॉडी, यहाँ पे बॉडी टर्मिनल हमने शो किया है, यहाँ पे बॉडी टर्मिनल हमने शो नहीं किया, इन जनरल हम बॉडी टर्मिनल को यहाँ से ऐसे इससे शॉर्ट कर देते हैं, मीनिंग यहाँ पे जो ऐसे रहा होगा वो यहाँ पे ऐसे शॉर्टेड, दैट इज व्हाई उस बॉडी टर्मिनल को यहाँ पे शो नहीं करते, क्योंकि उस पे हमें एस सच कोई वोल्टेज अप्लाई करके कोई एस सच एप्लीकेशन नहीं है हमारे पास कि इस बॉडी टर्मिनल पे हम वोल्टेज अप्लाई करके कोई चेंजेस इसमें लेके आए, ठीक है। एक बार सभी लोग रीजॉइन कर लेना मीटिंग को।